तुम्हें कंगन पसंद नहीं है ना? इतने खूबसूरत कंगन भला किसे पसंद नहीं आएंगे? थैंक गॉड, मेरी मेहनत सफल रही। पता है आज का आधा दिन ये डिसाइड करने में लग गया कि अगर मैं तुमको कोई तोहफा देना चाह रहा हूँ तो ऐसी कौन सी चीज दे सकता हूँ जो हमेशा तुम्हारे करीब रहे। लेकिन अच्छा है, इनकी क्या जरूरत थी? राधा, जिंदगी में सब कुछ जरूरत के हिसाब से नहीं किया जाता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान अपनी खुशी के लिए करता है और कुछ उनकी खुशी के लिए जिनको अपना समझता है। जानती हो राधा, आजकल वक्त बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। जो काम करता हूं उल्टा हो जाता है, पर ऐसे में इस बात की खुशी है मुझे कि तुम मेरा साथ दे रही हो। अजय, मैं जानती हूं कि तुम्हें अपने प्यार को अच्छी तरह निभाना आता है, लेकिन लेकिन मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही थी। आजकल कौन अपना फर्ज निभाता है? तुमने कितनी अच्छी तरह से इस घर को संभाल लिया, अपनी सारी जिंदगी मेरे नाम कर दी, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। इसीलिए सोचा कि आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेता हूं। इसीलिए मार्केट में एक शॉप से दूसरा, दूसरे से तीसरा मॉल घूमता रहा, और ऐसे में एक छोटे सी शॉप पर एक कंगन मुझे पसंद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था। बहुत अच्छे ये कंगन या मेरी पसंद? दोनों। लेकिन राधा, ये कंगन अभी ठीक नहीं लग रहा है, इनमें अभी जान नहीं है। अब तुम अपनी आंखें बंद करो। जैसे एक कंगन तुम्हारे हाथों के लिए बने।
अभी भी फोन नहीं उठा रही है। कहां मर गया ये जगजीत? पता नहीं इसे हो क्या गया है। ये जरूर जगजीत का होगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुमने कहीं मेरे साथ रह के हमारी कंपनी के मालिक होने की गलतफहमी तो नहीं हो गई है? तुम इस कंपनी के नौकर हो तो नौकर बन के रहो, समझे? मुझे इन्फॉर्म किए बिना तुम कहाँ गायब थे? बोलो। तुमने मैंने कह के रखा है ना कि तुम कुछ भी करोगे मुझे पहले बताओगे, लेकिन फिर भी तुम ओवरस्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम अजय के साथ कहाँ गए थे? बोलो। साफ सूख गया है क्या तुम्हें? जगजीत, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तुम अच्छी तरह से समझ लो, मैं तुम्हारे लिए तब तक अच्छी हूँ जब तक तुम मेरे लिए अच्छे हो। अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? बोलो, अब जवाब क्यों नहीं देते? एक्सक्यूज मी,